नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी हैं, जो कि उत्तराखंड का प्रदेश प्रभार भी संभाल रहे हैं और दिल्ली भी देख रहे हैं। श्याम जाजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रफ्तार मीडिया में। तो श्याम जाजू जी, आपसे जानना चाहेंगे, विधानसभा बिल्कुल नज़दीक है, एकदम नज़दीक है और बिल्कुल सर पे आ गया है ये कह सकते हैं हम, क्योंकि 3 महीने बाद तो तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। क्या कुछ खास तैयारियां हैं आपको बीजेपी विधानसभा को लेकर के उत्तराखंड में? चुनाव आयोग ने इलेक्शन का नोटिफिकेशन निकाल दिया है जी। जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से सभी राज्य महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड मेरे पास दायित्व है, उत्तराखंड का प्रभार मैं देख रहा हूँ। जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, उत्तराखंड की निर्मिति भारतीय जनता पार्टी के उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की है जी। और एक पहाड़ी प्रदेश, एक अलग संस्कृति का, विरासत का प्रदेश मेंटेन करना, ये उनकी कल्पना थी। दुर्दैव से आज वो चित्र दिख नहीं रहा है। आज पूरे उत्तराखंड में एक ही नारा है, अटल जी का सपना अधूरा, नरेंद्र मोदी करेंगे पूरा जी। पूरे देश में एक अलग आइडेंटिटी वाला एक स्टेट डेवलप करना, विकसित करना, और इस प्रकार की कल्पना अटल जी की थी। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो लोगों की अपेक्षा है, उसके अनुरूप नरेंद्र मोदी जी उसको पूरा करेंगे जी। राष्ट्रपति शासन को लेकर वहाँ पर एक विवाद हुआ कि राष्ट्रपति शासन को लेकर के चर्चाएं हुई कि राष्ट्रपति शासन लगेगा। हरीश रावत की सरकार को कांग्रेस का ये आरोप लगता रहा है आपके ऊपर कि वो आपकी सरकार को गिराने की उन्होंने कोशिश की है बीजेपी ने। क्या कुछ कहना आपका इस विवाद को लेकर के? जो पार्टी अपने उम्मीदवारों को, अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को, अपने पूर्व मुख्यमंत्री को संभाल नहीं पाई जी। इसके कारण उनके 10 विधायक टूटकर हमारे पार्टी में आ गए जी। अपने गिरेबान में उनको झांक के देखना चाहिए, वो क्यों नहीं संभाल पाए अपने लोगों को जी। हमारी तो मास पार्टी है, हमारे पार्टी में कोई आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोई सरकार माइनॉरिटी में आ जाती है, अपना बजट पारित नहीं कर सकती तो भी वो सरकार काम कर रही है। कोर्ट पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, राज्यपाल के उस टाइम के व्यवहार पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर जहां तक सवाल है, उस दिन बजट पारित नहीं हुआ था, क्योंकि अगर बजट पारित होता तो कोर्ट ने बाद में बजट वापस पारित करने की क्यों अनुमति दी? और 10 लोगों को आप डिस्क्वालीफाई करके आपकी मेजोरिटी प्रूव करते हो, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? वहां लोकतंत्र की हत्या हुई है और पूरे उत्तराखंड की जनता इससे हताश और निराश है। उनके जो 10 विधायक वहाँ पे शामिल हुए, वहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि जितने विधायक शामिल हुए हैं वो कहीं कैबिनेट मंत्री रहे हैं और मंत्री रह चुके हैं। वहाँ बीजेपी का कहना है कि बीजेपी के पार्टी के जो लोग हैं वो बिल्कुल खुश नहीं है उनके 10 लोगों के आने से। आपका क्या कुछ कहना है? ऐसा है, हमारी पार्टी है लोकतांत्रिक पार्टी है जी। इस देश में कई पार्टियां हैं जो व्यक्तिवादी पार्टियां होती है, जैसे मुलायम सिंह जी की है, मायावती की है, ममता जी की है, उनके पार्टी में एक व्यक्ति पार्टी चलाता है। कांग्रेस पार्टी इस देश में एक परिवार पार्टी चलाता है। हमारी पार्टी ये लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें आने के लिए सबके लिए छूट है। आया हुआ आदमी हमारे पार्टी के विचारों से कैसे परिचित हो, ये हमारी कुशलता रहती है। आने वाले सबका स्वागत करते हैं। और मैं आपको एक बात और कहता हूं, आज पूरे देश में कोई पार्टियों में ज्यादा लोग अगर जा रहे होंगे तो वो है भारतीय जनता पार्टी। लोग उसी पार्टी में जाते हैं जिस पार्टी का फ्यूचर ब्राइट होता है। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के तमाम तरह की अटकलें लगती रही हैं। श्याम जाजू जी, क्या कुछ कहना है, कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा उत्तराखंड के लिए? हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है जी। हमारे पास खंडूरी जी, कोशियारी जी, रमेश पोखरियाल निशंक जी और बहुगुणा जी, 4-4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। एक पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल महाराज जी है जी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी है जी। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा जी है जी। नेताओं की श्रृंखला है हमारे पास। और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी चप्पे चप्पे पे हमारा काम है, हमारा पूरे के पूरे सभी सांसद हमारे हैं, तो नेताओं की कमी नहीं है। पार्टी हर प्रदेश के अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है और हमारे पार्टी में नेता का चयन ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का डिसीजन होता है, संसदीय बोर्ड का डिसीजन होता है। संसदीय बोर्ड इस पर उचित समय पर निर्णय करेगा। यानी कुल मिलाकर संसदीय बोर्ड इस पर नियंत्रण लेगा, ये कहना है श्याम जाजू जी का। अगर विकास की बात करें तो उत्तराखंड सरकार को आप किस तरह से घेरने की तैयारी में है, हरीश रावत सरकार को, आपसे जानना चाहेंगे? वर्तमान सरकार से उत्तराखंड की जनता नाराज है। उत्तराखंड में गए 5 साल के शासन में एक भी नया उद्योग नहीं आया। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पहाड़ों से लोगों का पलायन हो रहा है। आपदा के बाद जो पुनर्निर्माण के काम होने चाहिए थे वो उस गति से हो नहीं रहे।
और जो केंद्र सरकार से पैसा गया है उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी सरकार दे नहीं पा रही, इस प्रकार का सरकार का काम चला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ये देवभूमि है, वीर भूमि के रूप में जानी जाती है, ये देवभूमि को भ्रष्टाचार से कलंकित करने का काम मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनकी टीम ने किया है। देश में यह पहला उदाहरण है कोई मुख्यमंत्री स्टिंग में पकड़ा जाता है, भ्रष्टाचार पूरे आपके मीडिया के माध्यम से पूरे देश की जनता ने देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देवभूमि पवित्र भूमि बदनाम हुई है, इसका मलाल पूरे उत्तराखंड की जनता को है और इसके कारण पूरे देश से जो तीर्थाटन करने के लिए आने वाली जनता है उसकी संख्या में भी बहुत कमी आई है, इसका परिणाम उत्तराखंड की इकोनॉमी पे हुआ है। जी, अगर आपकी सरकार वहां पर बनती है, जैसा कि आपका कहना है कि विकास के बहुत सारे मुद्दे अभी पीछे रह गए हैं, पलायन बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या कुछ खास वहां पर आप लेकर के आएंगे जिससे ये पलायन रुक जाए, पहाड़ के लोग पहाड़ों में उनको नौकरी मिल जाए, क्या कुछ खास होगा वहां पर, आपसे जानना चाहेंगे श्याम जी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष प्रेम उत्तराखंड पर है। आजादी के बाद पहली बार चारों धाम यात्रा के लिए 12,000 करोड़ का पैकेज उन्होंने दिया है, ऑल वेदर रोड की उसमें निर्मिति होगी और 12 ही महीने यात्रा चलेगी, कोई आपदा के कारण यात्रा बंद नहीं हो सकती, इसका कारण टूरिस्ट वहां पर आ सकेंगे, वहां पर होने वाली आपदाओं में कमी आएगी। पहली बार 17,000 करोड़ रुपए का पैकेज रेल के लिए मिला है, आज पहाड़ों में भी अभी रेल पहुंचने वाली है, उससे भी आवागमन बढ़ेगा, लोगों की सुविधाएं बढ़ेगी, उत्तराखंड का विकास करना और ये एक स्पेशल आइडेंटिटी वाला विरासत वाला सांस्कृतिक पहाड़ी प्रदेश जो निर्माण करने की कल्पना अटल जी की थी उसका ध्यान रखना, उसके लिए अपना प्रोजेक्ट करना, उसके लिए फंड अलॉटमेंट करना, ये मोदी जी ने पूरा किया है, इसलिए पूरी उत्तराखंड की जनता खुश है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जब दोनों एक हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से उत्तराखंड के विकास को गति मिलेगी। मोदी सरकार की उपलब्धियों की अगर बात करें श्याम जाजू जी, तमाम तरह की उपलब्धियां गिनाते हैं लेकिन कांग्रेस लगातार उन पर हमला करती रहती है, और अभी अगर हम शीतकालीन सत्र की बात कर लें श्याम जाजू जी, तो कहीं ना कहीं नोटबंदी को लेकर के वो पूरा शीतकालीन सत्र बर्बाद रहा और विपक्ष हंगामा करता रहा, यहाँ तक कि ममता बनर्जी जी तो कुछ ज्यादा ही आगे आई और संसद से लेकर सड़क तक और ये कहें हम पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक उन्होंने दौड़ लगाई है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के पूरी तरह से घेरने की तैयारी में, बजट सत्र को लेकर के भी तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है, कहा जा रहा है कि 1 तारीख को बजट सत्र इनका पेश होने वाला है, 1 तारीख को ना करें क्योंकि चुनाव की घोषणाएं हो चुकी हैं, क्या कुछ कहना आपका इन तमाम मुद्दों को लेकर? नोटबंदी का निर्णय ये ऐतिहासिक निर्णय है जी। ये कोई पार्टी का पॉपुलर बनने वाला निर्णय नहीं है, उल्टा जिसमें अलोकप्रियता ज्यादा आ सकती थी ऐसा साहसिक निर्णय, क्रांतिकारी निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, वो देश का एक विजन देने के लिए लिया है, देश के इकोनॉमी को परिवर्तन करने की ताकत इस निर्णय में है और गरीब आदमी का सम्मान बढ़ाना और काले धन के खिलाफ जो मुहिम मोदी जी ने छेड़ी है उसमें लोगों की तात्कालिक दिक्कतें हुई है, पर लोगों को यह मालूम है मोदी जी की नीयत साफ है, मोदी जी की नीति स्पष्ट है, देश को आगे ले जाने की यह नीति है, इसलिए लोगों ने इसको बर्दाश्त किया है और आज मैं देख रहा हूं उत्तराखंड जैसे प्रदेश में तो 25-25 किलोमीटर तक एक भी बैंक नहीं है, लोगों की बड़ी दिक्कत हुई है, पर लोगों ने केवल मोदी जी पर भरोसा रखकर यह निर्णय बर्दाश्त किया है और आज हम उसके अच्छे निर्णय की ओर जा रहे हैं, अब लोगों को उसके अच्छे परिणाम दिखने लगेंगे। कैशलेस डिजिटल इंडिया की बात मोदी सरकार लगातार करती रही है श्याम जाजू जी, और लगातार कहते रहे हैं कि हम लोग डिजिटल होने जा रहे हैं, हम लोग कैशलेस होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर हम जनता ग्रामीण जनता की बात करें श्याम जाजू, तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और उस पर जाने में उसको बहुत समय लग सकता है, इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि डिजिटल इंडिया को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, मेक इन इंडिया को आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं ताकि देश में नौकरी मिल सके, लोग कैशलेस हो सके, आपका क्या कुछ कहना है इस पर? मोदी जी की सरकार आने के पहले अपने देश की इमेज पूरे वर्ल्ड में भ्रष्टाचार के नाम से हिंदुस्तान का परिचय होता था, आज देश की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, ट्रस्टेबिलिटी बढ़ी है, विदेश का पैसा आ रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है इस देश में, क्योंकि इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर है, काम करने वाले हाथ है, ये संसाधन है, पर वहां पर फंडिंग की जिस प्रकार की आवश्यकता थी वो देश की क्रेडिबिलिटी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ी है, नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में एक नए कीर्तिमान स्थापित किए है, उस प्रगति की ओर लोगों को ले जाने के लिए ट्रांसपेरेंसी हो, लोगों के व्यवहार में पारदर्शिता आए, इसके लिए कैशलेस इकोनॉमी की ओर मोदी जी देश को ले जाना चाहते हैं। अपने देश में 110 करोड़ लोगों के पास आज मोबाइल फोन है,
उस मोबाइल को उपयोग करते हुए लोगों को कैसे आज हम देख रहे हैं, जब से नोटबंदी का निर्णय हुआ है देश के क्रिमिनल ये गुनेगारी में बहुत कमी आई है, 30% की कमी आई है पूरे देश में, देश के आतंकवाद में कमी आई है, कश्मीर में जो अलगाववाद पनप रहा था, जो पत्थर फेंकने वाले लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा था उसमें कमी आई है, ये सब बातों को देखते हुए निश्चित रूप से कैशलेस ट्रांजैक्शन, पारदर्शिता, इस ओर मोदी जी का ले जाने का जो सपना है वो लोग उसको रिस्पॉन्ड करेंगे और देश आगे जाएगा। अप्रवासी उत्तराखंडी के लिए तमाम तरह की बीजेपी कोशिश कर रही है ताकि वो उनके साथ जुड़ सके, क्या कुछ खास कोशिशें की जा रही है इसको लेकर के? पूरे देश में उत्तराखंड, ओरिजिनल उत्तराखंड के रहने वाले जो प्रवासी भारतीय है वो अलग अलग प्रदेशों में है, उन सबको हम आह्वान कर रहे हैं अपने प्रदेश के विकास के लिए, अपने भूमि के प्रगति के लिए, उन सबका योगदान उसमें जरूरी है। केवल सरकारी योजनाओं से प्रदेश आगे नहीं जाता, प्रदेश में आमूलाग्र परिवर्तन करना होगा। प्रदेश जिस प्रकार से आध्यात्मिकता, पवित्रता, देवभूमि के रूप में जाना जाता है उस प्रकार का करना होगा, तो आप सबको उत्तराखंड में आना होगा, अपना योगदान देना होगा। और मुझे कहने में बड़ा अभिमान है कि आज के केंद्र सरकार में जितना प्रतिनिधित्व उत्तराखंड को मिला है, अजीत डोवाल जी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, आज थल सेना के प्रमुख रावत जी वहां से ही आते हैं, रॉ के चीफ वहां से ही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में अजय टमटा जी केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे तीनों पूर्व मुख्यमंत्री आज अलग अलग कमेटी के चेयरमैन बने हैं। आज तक आजादी के बाद उत्तराखंड के इतिहास में इतना बड़ा प्रतिनिधित्व कभी नहीं मिला था, वो नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड को दिया है। और अगर अप्रवासी भारतीयों की बात की जाए श्याम जाजू जी, तो अप्रवासी भारतीय, अप्रवासी जो उत्तराखंडी हैं, माफ कीजिएगा, जो अप्रवासी उत्तराखंडी हैं, उनके लिए क्या कुछ आप लोग खास कर रहे हैं, उनका कैसे आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं तो उनका भी कहने की उनकी भी भागीदारी होती है इस चुनाव में, तो आप किस तरह से उनको बुला रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि आपका महत्व है, हम आपको वहां नौकरी देंगे, और क्या कुछ खास करेंगे आप लोग उनके लिए? कोई भी आदमी को अपना गाँव छोड़ना, अपना घर छोड़ना, ये बहुत आदमी मन से नहीं करता है, पर दुर्दैव से उत्तराखंड का आदमी आपको देश के सभी प्रदेशों में मिलेगा, ये उसको मजबूरी के कारण अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है, पहाड़ी प्रदेश छोड़ के जाना पड़ता है, अपने रोजी रोटी के लिए वो पूरा भटक रहा है। तो हम पूरे देश के उत्तराखंड वासियों को ये कहेंगे, हमने अभी भी अपने कार्यक्रमों में उसकी योजना बनाई है, 8 दिन 10 दिन पहाड़ों में आकर वो रहे, उसका उत्तराखंड में स्वागत है, अपने प्रदेश में जाए। और जब लोग अपने प्रदेश में जाएंगे, अपने देवभूमि में जाएंगे, तो अपने भूमि से अटैचमेंट होकर जो बाहर जाकर भी जो बड़े विकसित हुए हैं, ऐसे उद्योगपति, ऐसे उत्तराखंड के अप्रवासी भारतीय, ये सब लोग वहां जाकर निश्चित रूप से प्रदेश के बारे में सोचेंगे, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के माध्यम से और बहुत सारे प्रोजेक्ट के माध्यम से हम उत्तराखंड का विकास करना चाहते हैं। यहाँ पर जानना चाहेंगे श्याम जाजू जी की, लगातार बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण कराने के लिए तमाम तरह की आप लोग कोशिशें कर रहे हैं, मिस्ड कॉल दे दीजिए, आप बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, क्या कुछ और खास करने जा रहे हैं आप लोग इसमें, क्योंकि आप लोग की वेबसाइट पे भी ये रहता है अक्सर कि आप बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, फोन मिस्ड कॉल से कर सकते हैं, और क्या कुछ खास कर रहे हैं आप लोग बीजेपी से लोगों को जोड़ने के लिए, लोग बीजेपी से जुड़े या बीजेपी लोगों से जुड़े इसके लिए क्या कुछ खास है आप? आज देश में केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी का राज है, 14 राज्यों में हमारी सरकार है, 1000 से ज़्यादा हमारे देश में विधायक है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विश्व में भारतीय जनता पार्टी को मान्यता मिली है, हमारी केडर पार्टी है, आने वाले युवाओं का इसमें स्वागत है, महिलाओं के बारे में सोचने वाली ये पार्टी है। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो जो भी केंद्र सरकार कार्यक्रम हाथ में ले रहे, वो इंश्योरेंस वाला होगा, जनगणना वाला होगा, शौचालय वाला होगा, स्वच्छता वाला होगा, बेटी बचाओ वाला होगा, इस सब कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता से संपर्क कर रहे हैं और अमित शाह जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी बढ़ रही है, लोगों का उत्साह बढ़ रहा है, आकर्षण बढ़ रहा है, एक देश में एक में सशक्त और समर्थ विकल्प के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो मेरे साथ इस खास मुलाकात में बस इतना, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ, नमस्कार।